बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद जावेद एंड टुडे यू हैव टॉपिक पीएचपी फंक्शंस। आवर फंक्शन इज द पीएचपी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ए फंक्शंस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो इन द पीएचपी वी हैव आल्सो फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस आर डिजाइंड फॉर द स्पेसिफाइड टास्क। सो is like other programming languages, we can find here some built-in function, some user-defined functions. Okay, so see what's happened here. So types of functions, the PHP built-in function and user-defined functions. In this lecture I will discuss built-in functions, and inshallah in the coming lectures we will discuss the user-defined functions. So आज हम डिस्कस करते पीएचपी फंक्शन के जी पीएचपी फंक्शन क्या है। पीएचपी फंक्शन हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिस तरह दूसरे लैंग्वेजेस में, और ये स्पेसिफाइड काम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और इनके जो हमारे पास टाइप्स है, दो बड़े टाइप्स हैं। एक को बिल्ट इन फंक्शन कहा जाता है, या यूज़र डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है, या लाइब्रेरी फंक्शन कहा जाता है। जबकि दूसरा जो हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। और आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है बिल्ट इन फंक्शंस, और आज हम कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। सो देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन। द फंक्शंस दैट हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड कैन बी यूज्ड इन द एनी प्रोग्राम आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन आर लाइब्रेरी फंक्शंस। सो वो फंक्शंस जो कि किसी लैंग्वेज का लैंग्वेज के साथ आते हैं, किसी लैंग्वेज लैंग्वेज मीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं और उनको यूज़ करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे, या लाइब्रेरी फंक्शन कहेंगे, या सिस्टम डिफाइन फंक्शंस कहेंगे। ठीक है जी। सो कुछ बिल्ट इन फंक्शन हम डिस्कस करते हैं जो कि बुनियादी तौर पर स्ट्रिंग के फंक्शन है। सो देखते हैं। We have PHP str length function. So what it does? The str length function returns the length of a string. So we want to find out the length of a string. We can use str length function. What is the syntax of this function? Str length in a bracket string or the variable which containing the string. So we can use both of them. We can use string must be in the double quote, or we can use a variable which has the string value. Here a small example: php echo string length hello. So what's the length of hello? 1 2 3 4 5. So it means it will display 5. ye kya display karega? ye 5 display karega। तो str length फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग का क्या निकाल सकते हैं, उसका लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव php string reverse फंक्शन। नाउ सी द डेफिनेशन। द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, रिवर्स इज ए स्ट्रिंग। सो ये क्या करेगा? ये जो स्ट्रिंग्स है हमारे पास उसको रिवर्स कर देगा। किस तरह करता है इसका सिंटैक्स जरा देखते हैं। स्ट्रिंग रिवर्स एंड ब्रैकेट स्ट्रिंग, और इसका एग्जांपल जरा देखते हैं। पीएचपी इको स्ट्रिंग रिवर्स हेलो वर्ड। सो अभी हमें क्या नजर आएगा? हमें यहाँ पर नजर आएगा डी एल आर ओ डी, यानी वर्ड अपोजिट होगा, और इसके बाद फिर हेलो को इस तरह होगा ओ एल एल ई एच होगा। ठीक है जी। सो इट विल डिस्प्ले इन द अपोजिट डायरेक्शन। सपोज इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी डिस्प्ले इन द लाइक दिस वन डी एल आर ओ डब्ल्यू देन ओ एल L E H।
right. We check the next function, str to lower function. So it's mean it convert the string in the lower case. So definition, according to definition, the string lower function converts a string to the lower case. So it's a syntax str to lower and in parenthesis string. It's a example echo PHP ka tag echo string to lower hello world. So string lower क्या करता है, ये string को small में convert करेगा. जिस तरह देखो अब ये लिखा हुआ है तो ये hello का h capital, लेकिन ये इसे display होगा h e l l o और word, sorry word को small कर देता हूँ, w को word इस तरह, right? It's the output of this statement. String to upper function definition. The string upper string to upper function converts a string to the upper case. It is the opposite of the string to lower. So it's the syntax string to upper within parenthesis string, and it is example PHP tag echo string to upper hello world. So ये क्या करेगा, ये string को upper case में convert कर देगा, capital alphabets में convert कर देगा. देखो ये hello है ना, hello हम इस तरह जाएगा, ओके जी. नेक्स्ट देखते हैं सबस्ट्रिंग. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबस्ट्रिंग. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द सबस्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स ए पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग. सो वी हैव अ स्ट्रिंग एंड वी वांट टू डिस्प्ले अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, वी कैन आल्सो यूज द सबस्ट्रिंग फंक्शन. व्हाट इज द सिंटैक्स. नो सी सबस्ट्रिंग इन पैरेंथेसिस द स्ट्रिंग from the starting position and how many character you want to display. If we omit this one, so control will go to the end of the string, right? So substring kya karta hai, substring text mein se specific portion return karta hai. Dekhi example zara dekhte hain. PHP tag echo substring hello world. Now we have hello world as a string and start 6, so it's mean 0 1 2 3 4 5 6, it will start from here, right? Yahan se start lega. Yaad rakhiye string will begins from 0 not from 1. Okay, you don't say 1 2 3 4 5, he says what 0 1 2 3 4 5 6. Theek hai ji. So yahan par aate hain aur यहाँ पर थर्ड पैरामीटर आर मिसिंग हियर. इफ यू सी केयरफुली एनालाइज दिस वन, सो इट्स मीन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डब्ल्यू एंड गोज टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. सो वी विल सी वर्ल्ड. ओके जी, हमें क्या नजर आएगा, हमें वर्ल्ड नजर आएगा. नेक्स्ट देखते हैं इसमें कोई है. यस, string in a position function. The string in position function finds the position of the first occurrence of a string inside the another string. आप string में किसी specific words का position check कर सकते हैं कि कहाँ पर है. देखते जरा, string find string and from the starting point, from here, from which position you want to start. इट्स अच्छा, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको जरा सही कर लेते हैं, राइट. इट्स अ मिस्टेक एस टी आर स्ट्रिंग ए नट सब.
it's str. Str, okay. So str string in a position, we have a string hello. Our bus kya hai? String hello hai. Theek hai ji. Now I want to check what word. So it is the second parameter. I want to check word is located in the which positions. So 0 1 2 3 4 5 6. So it's located in the sixth position in the string. So we will see the six as the output of this statement, right? I have a complete program on these functions, right? Suppose it is a string hello world, and I assign this string into the $txt, and I use different functions here. Suppose reverse, suppose str length function, and start to upper function, right, and start to lower functions, then substring function, and I also use string in a position functions, okay, and it's a result of the my this program. So we want to test this program using the coding. हम कोड की मदद से क्या करते हैं, जरा टेस्ट करते हैं. अच्छा देखते जरा. सॉरी, आई वांट टू ओपन द नोटपैड. PHP and $ORG is the our original text. Suppose I say hello world, okay, and I want to display first echo. Original text and what's the original text? I put the concatenation operator. Okay, काम करते हैं यहाँ पर br डालते हैं. br and what's $ORG and again br. Okay, और डिस्प्ले करवाते echo, बल्कि जो फंक्शन हमने यूज़ किया था, फंक्शन का नाम क्या था? ओरिजिनल टेक्स्ट. और यहाँ पर हम, अच्छा ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है. और फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का. सो नीचे आके मैं कहता हूँ उसको क्या, इको एस टी आर आर सिंपल टेक्स्ट ना. एक मिनट इसको सेव करते, देखते आउटपुट क्या मिलता है, इसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है. सेव, उसका नाम रखता हूँ, ये फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन one functions one dot php save php procs, okay, and just we want to check the display of the this statement, then we want to come on the another portion of the program. Okay, उधर चेक करते हैं लोकल होस्ट, कोशिश करें लाइन बाय लाइन इसको चेक किया करें, आपके लिए फिर मसले नहीं होते प्रोग्राम में.
function one, देखो ओरिजिनल टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं क्या डिस्प्ले करें रिवर्स फॉर्म में, तो कोड में आते हैं और यहाँ पर देते हैं क्या इको करते हैं, ऐसे कॉपी करता हूँ, ठीक है कॉपी पेस्ट किया मैंने और कहता हूँ रिवर्स, ओरिजिनल की जगह क्या रिवर्स लिख लेता हूँ, रिवर्स फॉर्म ऑफ टेक्स्ट का मैसेज आना चाहिए और फिर बी आर आना चाहिए और यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना दिस वन ये है ना, ओके जी हम यहाँ पर इसको कहते हैं एस टी आर आर ई वी और क्या ये, ठीक है जी देखते ज़रा सेव करते हैं और कोडिंग पर आकर देखते हैं। देखिए रिवर्स फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, देखो रिवर्स हो गया, ओके जी नीचे मजीद देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या था एस टी और लोअर था ना, ओके जी ओरिजिनल टेक्स्ट में हम मैसेज देते हैं क्या लोअर केस लोअर केस ऑफ द टेक्स्ट ये मैसेज होगा और फंक्शन हम यूज करेंगे क्या लोअर एस टी आर टी एल ओ डब्ल्यू और लोअर किसका जो ओरिजिनल हमारे पास है एक मिनट यार उसका ये कंकैटेनेशन का ऑपरेटर और ये ब्रैकेट में बंद करते हैं इसको, ठीक है जी सेव करते इसको कंपाइल करते ये देखो स्मॉल में सारे ये हमारे पास ओरिजिनल तो ये ना हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी और देखो स्मॉल में अब हम चाहते हैं कैपिटल में आ जाए तो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ ये कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे अपर केस ऑफ द टेक्स्ट मैसेज देता हूँ अपर केस ऑफ द टेक्स्ट और यहाँ पर एस टी आर टू लोअर की जगह क्या है एस टी आर टू अपर लिखते हैं, तो सेव करते हैं देखते जरा देखो ये अपर में आ गया। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन इसमें कौन सा था हमारे पास सबस्ट्रिंग है, ठीक है जी सबस्ट्रिंग अच्छा लेंथ रह गया था देखो हमसे लेंथ निकाल लेते इसका कोडिंग में आते हैं और नीचे मैसेज देते हैं क्या ओके कॉपी कर लेता हूँ लिखता हूँ लेंथ ऑफ द टेक्स्ट ओके ये इसका लेंथ हो गया लेंथ ऑफ द टेक्स्ट और यहाँ पर यूज करते हैं लेंथ का फंक्शन एस टी आर एल एन सेव करते कंपाइल कर सेव करके चेक करते हैं इसको देखें ये लेंथ ऑफ द टेक्स्ट 11 राइट नीचे नेक्स्ट कोड हमारे पास क्या है देख जरा सबस्ट्रिंग है ठीक है जी सबस्ट्रिंग को चेक करते हैं ये हटा देते हैं अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही बस जल्दी जल्दी इन चीज़ों को वाइंड अप करते हैं सबस्ट्रिंग एस यू बी एस टी और सबस्ट्रिंग किस से डॉलर साइन से और किस नंबर कैरेक्टर पर हमें चाहिए सिक्स से जो भी शुरू हो रहे ओके जी देखते ज़रा देखो वर्ड शुरू हो रहा है गौर से देखे हेलो वर्ड हमारे पास है तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ही शुरू हो रहा है ना वर्ड। अच्छा नेक्स्ट क्या है स्ट्रिंग एंड पोजीशन है देखते ज़रा इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड पोजीशन टेक्स्ट और वर्ड डिस्प्ले करो कि किस नंबर पर है ओके जी आके देखते ज़रा इसको
string stripos किस से, इस से हमें डिस्प्ले करो क्या चीज़ w वर्ड जो है वो किस पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रिंग में। ओके जी, सेव किया, यहाँ पर इसको देखते ज़रा, देखो 6 नंबर पर है। ठीक है जी, सो ये था हमारा आज के पंचीय फंक्शन हमने देख लिए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह बनते हैं और उस पर काम करेंगे। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।